यहाँ से चक्कर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका ब्रिज है ना, फ्रेंडशिप ब्रिज जो है ना, इसको फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं भाई। वो पाकिस्तान के लोग खड़े हैं वहाँ, ये चक्कर है आप, और यहाँ से चक्कर है भाई, पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद उरी, जो पाकिस्तान का ट्रेड होता था, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड होता था, वो यहीं से होता था। अब ये बंद है, अब तो नहीं होता है, बट यहाँ साइड से आपका ट्रेड वगैरह है वो यही साइड से होता था आपका। हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब सही होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अभी पिछला व्लॉग आया था मेरा, आपने बड़ा प्यार दिया, आपने बड़ा सपोर्ट किया, अब बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको नई नई जगह जो है वो दिखाते रहेंगे। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, अब हम नींद से उठे हैं, अभी हमें कॉफ़ी वगैरह बनानी है, ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहता हूँ। अभी चक्कर है भाई, बाहर का व्यू कैसा है भाई, हाय हाय हाय, माशाल्लाह। हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है और हमारे टेंट्स यहाँ पे है भाई। अमेजिंग सी जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है भाई, कैंपिंग करने के लिए आपको अल्टीमेट जगह है, मैं ऐसे बताऊँगा आपको। यहाँ से चक्कर है भाई, यहाँ से चक्कर है, अरे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी जगह है। अभी हम बैठेंगे यहाँ पे, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, अभी हम थोड़ा मैगी बनाएंगे, उसके बाद हमें कॉफ़ी वगैरह भी पीनी है, उसके बाद हम जाएंगे सीधे कमान पोस्ट उरी की तरफ। बाकी आप मेरे व्लॉग से बने रहिए, और यहाँ से आप चेक करिए, यहाँ से व्यू कैसा है आपका, अल्टीमेट व्यू है भाई। जगह बहुत ऑसम है, बहुत अल्टीमेट जगह है, मैं ऐसे बताऊँगा आपको भाई, बहुत खूबसूरत जगह है ये। सो यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे, पिएंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीधे उरी की तरफ। आप बस मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बन के रेडी होने वाला है, ये चक्कर है भाई। अभी दूध उबल रहा है और हमारी जो कॉफ़ी है वो भी रेडी है भाई, बस उसको इसमें डालेंगे, फिर हम जो कॉफ़ी है उसको पी के फिर हम कुछ और खाएँगे, फिर हम जाएँगे अपने सफ़र जो है उरी की ओर। सो फाइनली अभी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है भाई, ये चक्कर है, हमारी जो कॉफ़ी है ना बन के रेडी है भाई, बहुत हार्ड कॉफ़ी बनी है। अभी क्या हमारा जो डे है वो लंबा खींचने वाला है, हमें जाना है उरी कमान पोस्ट, उसकी वजह से हमने थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी ज़्यादा मिला ली ताकि ये थोड़ी सी हार्ड बन जाए। इस कॉफ़ी को ख़त्म करके ही हम सीधे चलते हैं फिर अपने सफ़र की ओर। बाकी हमारा जो सामान है वो ऑलरेडी पैक हो चुका है, यहाँ से चेक करें भाई, हमने अपना जो टेंट है वो सारे के सारे पैक कर लिए, हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी है, जो हमारे टेंट्स वगैरह हैं इनको अपनी बाइक पर पैक करके फिर हम निकलते हैं उरी की ओर। इंशाल्लाह बाकी जो भी होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा आगे। यहाँ से अपने राइड को स्टार्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जा रहे हैं उरी कमान पोस्ट जो है वहाँ की ओर, और अभी टाइम 9 बज रहे हैं, अभी थोड़ा सा लेट हो गया हमें, हमें एटलीस्ट 9 बजे पहुँचना था वहाँ, हम थोड़ा सा तो लेट है बट क्या ही करें, इतना तो चले जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी राइड को आराम से, बाकी हमें परमिशन भी लेनी है, हमारा एक बंदा है वहाँ पर, हमने इसको कॉल किया, उन्होंने कहा कि आ जाओ आप, परमिशन हम यहीं पे ले लेंगे, बाकी कोई इशू नहीं हमारा, बाकी सब कुछ जाना है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया अच्छा खासा, हम सीधे चले थे कमान पोस्ट की ओर। ये जो पावर प्रोजेक्ट है ना उसके लिए जो पाइपलाइन है ना, यहाँ साइड से जो आपको मैंने रिजर्वर दिखाया था ना, वहाँ साइड जो पानी है वो इन पाइपों में जाता है, जो बड़ी बड़ी इतने ह्यूज पाइप्स लगी है उस पर जाता है, फिर यहाँ से जाता है आपका ये वाला जो यहाँ पे ट्रांसमिशन वगैरह लगा होगा यहाँ पे जाता है आपका, मतलब हम यहाँ पे पावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं भाई। सो अभी हम पहुँचे हैं उरी का जो रोड है, जो मेन रोड है वहाँ पे भाई, ये जो आपका रोड जाता है ये जाता है आपका उरी की ओर, और हम जहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे वो यहाँ साइड से आपकी जगह है, उसकी जगह का नाम है नौशेरा, वहाँ पर आपका वाटर रिजर्वर भी है, तो हम वहीं पर अपना जो नाइट है हमारा हमने वहीं पर स्पेंड की थी, क्योंकि बहुत अच्छी रही हमारी, बहुत सही रही मैं ऐसा बता सकता हूँ, हमने अच्छा अच्छे से खाया पिया और अच्छे से हमने नींद की, जो कि हमें चाहिए थी, बहुत ज़रूरी थी हमें नींद करना। यहाँ से चक्कर है भाई, यहाँ से आपका मुजफ्फराबाद 93 किलोमीटर, चकोटी 43, उर्सा 38, उरी 23, मतलब उरी हमें जाना है वहाँ से फिर कमान पोस्ट, और यहाँ से उरी की तरफ 23 किलोमीटर लेफ्ट है, और हम जहाँ पर भी चल रहे हैं जगह का नाम बुनियार है, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है। वेलकम पीर पंजाल ब्रिज, और यहाँ से चक्कर है भाई साहब, हाय 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 माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह है। और रोड की मैं बात करूँ स्पेशली, रोड बहुत सही है आपका, बहुत अमेजिंग रोड है। ये जो यहाँ से आपका रिवर बहता है, ये वाला रिवर, इसकी मैं बात करूँ तो ये जो पानी है ये आपका पाकिस्तान में जाता है, ये सारा का सारा पानी यहाँ से ऐसे बहते हुए
फिर जो उरी का बॉर्डर है वहाँ से बहते हुए फिर ये पाकिस्तान चला जाता है ये वाला पानी। हम जहाँ से अभी चल रहे हैं इस जगह का नाम चंदनवारी है और यही रोड आपका जाता है उरी की तरफ। बाकी मैं बात करूँ आपका जो एरिया है पूरा बॉर्डर एरिया है आपका और अच्छी खासी धूप भी निकली है आज क्योंकि हमारे लिए बहुत सही है। हम जहाँ से अभी चल रहे हैं इस जगह का नाम भानी है ऐसा कुछ नाम है इसका और यहाँ से जो हमारा कमान पोस्ट है वो करीबन 30 किलोमीटर है। आज संडे है, आई होप कि वहाँ पे बहुत सारे हो क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बहुत सारे आएंगे या पाकिस्तान के साइड से या हमारे इंडिया के साइड से हम उनको देखेंगे वो हमें देखेंगे तो वो बहुत सही रहता है आपका। जैसे आप इंटरेक्शन करते हो किसी अदर कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान एक कंट्री है और हमारा इंडिया एक कंट्री है तो दो कंट्री के लोग जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो सही रहता है। उरी श्रीनगर से आए हम, श्रीनगर से। ओके सर, तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, जो जो बंदा कमान पोस्ट तक जाएगा ना उनको एंट्री करनी पड़ेगी। सही है यार, कर लो एंट्री। पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे, अपना गाड़ी का नंबर, अपना नंबर और अपना नाम वगैरह इनको बताना पड़ेगा। खैर अच्छी बात है, एंट्री अगर करनी पड़े तो एंट्री कर लो भाई। बाकी हमने जो पहला चेक पोस्ट है भाई वो क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कमान पोस्ट जाना है उसके लिए आपको वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, अपना गाड़ी का नंबर, अपना नाम, आप कहाँ से आए हो पढ़ते और आपको कहाँ जाना है वो उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। सो फाइनली अभी हम उरी पहुँचे हैं। यह उरी का मेन मार्केट है जो कि बहुत ही औसम है, बहुत ही खूबसूरत है। आगे हम कहीं पे रुकेंगे अच्छी खासी, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि जब भी प्लेन साथ में होता है तब थोड़ा कंफर्टेबल राइड नहीं हो पाती है। तो अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ना हमारी बाइक पीछे खड़ी है और ये चेक करें भाई, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद उरी। जो पाकिस्तान का ट्रेड होता था, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड होता था वो यहीं से होता था, अभी बंद है, अब तो नहीं होता है, बट यहाँ साइड से आपका ट्रेड वगैरह है वो यही साइड से होता था आपका भाई। यहाँ पे ना वीडियो जो है ना प्रोहिबिटेड है, बट मैं आपको थोड़े शॉर्ट शॉर्ट दिखाता हूँ, मैं जितना दिखा पाऊँगा मैं उतना आपको ज़रूर दिखाऊँगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करें। और ये चेक करें भाई, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद, और यहाँ से जो इस्लामाबाद है वो करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे वहाँ की ओर। यहाँ से ऐसा ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, बाइकें हमारी पीछे खड़ी है और यहाँ साइड चेक करें भाई, ये जो दिख रहा है ना ये सारे के सारे अगर पाकिस्तान के भाई, ये जो पहाड़ी दिख रही है पूरी की पूरी पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। ट्रैफिक जाम देखो कितना सारा है भाई। अभी हम रुके हैं यहाँ, बाइक हमारी पीछे खड़ी है, अब देखते हैं आगे हम कहाँ तक जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हमें। बाकी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से अलाउड नहीं है ना व्हीकल आपके अलाउड है, ना आपका हेलमेट अलाउड है और ना आपका जो वीडियो है ना वो प्रोहिबिटेड है, इसलिए हम अंदर जो अंदर आए ना वहाँ साइड से आप ले सकते हैं। बाकी अगर मैं वीडियो की बात करूँ ना, जहाँ से हम अभी आए ना वहाँ से आपकी जो व्हीकल है वो अलाउड नहीं है और हमारा जो वीडियोग्राफी है वहाँ साइड से भी अलाउड नहीं है, इसलिए जो प्रोहिबिटेड एरिया है ना हमने वहाँ पर वीडियो नहीं लिया। यहाँ से चेक करें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका ब्रिज है ना, फ्रेंडशिप ब्रिज जो है ना इसको फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं भाई, वो पाकिस्तान के लोग खड़े हैं वहाँ, ये चेक करें आप। और यहाँ से चेक करें आप भाई, पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह जो कुछ लिखा है उर्दू में, ये चेक करें आप भाई, ये पाकिस्तान का फ्लैग है। और जो फ्रेंडशिप ब्रिज है ना, जो जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है यहाँ पे स्वीट बांधी जाती है। चकोटी है ना, चकोटी यहाँ से 2 किलोमीटर है और उरी यहाँ साइड से आपका मुजफ्फराबाद 52 किलोमीटर और इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ साइड से यहाँ से इनका रोड जाता है इस्लामाबाद वगैरह चकोटी वगैरह यही साइड से। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ से आपके चकोटी आती है, मुझे दिख रहा हो ना आप यहाँ साइड से भाई, मैं फ़ोन से भी शूट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग है भाई, ये चेक करें आप। बाकी मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पब्लिक का रश अभी बहुत ज़्यादा है, यहाँ चेक करें आप, ये वो गेट जिस गेट की मैं बात कर रहा था और ये स्पेशली वो ब्रिज है फ्रेंडशिप ब्रिज जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था अभी। बाकी हम यहाँ पर उतना अलाउड नहीं है, यहाँ से हम सीधे अपने बाइकों की ओर चलेंगे। बाकी भाई हम अंदर थे, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड थी, बट यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ घर की तरफ जाएंगे, यहाँ से वीडियोग्राफी प्रो हाइब्रिड है और हम यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। और यहाँ साइड से भाई आपका पाकिस्तान है भाई, ये जो माउंटेन दिख रहा है पूरा का पूरा, और ये घर दिख रहे हैं ये वाले घर, ये पूरा पाकिस्तान है और हम अपने इंडिया में खड़े हैं। सो यहाँ से हम सीधे चलते हैं, अपनी बाइक को स्टार्ट करके हम सीधे चलते हैं आगे की ओर, बिकॉज वहाँ से ऐसे वीडियो प्रोहिबिटेड है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अभी हम घर वापस जा ही रहे थे, मेरे बालों पे मत जाना, बाल मेरे हेलमेट से ख़राब होते हैं भाई, ये वाला हेलमेट। और यहाँ चेक करें भाई, ये चेक करे हो ना पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान की बस्ती है, ये सारी की सारी जो है ना छोटा सा गाँव है, मतलब रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा ही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं मैं जितना आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको उतना दिखा रहा हूँ। बाकी हम आगे चलते हैं अपने बाइकों की ओर, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते और ना ही कोई फ़ोटो वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी हम भी वापस आ चुके हैं और जहाँ से हमने वीडियोग्राफी की ना भाई, वहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया था, बट आपके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाया जितना मैं दिखा सकता था,
मैंने उतना आपको दिखाया, मैंने बहुत कोशिश की थी मैं आपको पूरा दिखाऊं और जितना मैं ऐसे हो सका ना मैंने उतना आपको दिखाया। बहुत सारा मतलब प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ पे, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है आपकी, वहाँ फ़ोटो भी नहीं ले सकते क्योंकि तो पूरा का पूरा जो है ना आपका बॉर्डर एरिया है। बाकी आप ये व्लॉग हम ये भी ख़त्म कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दो भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में एक खूबसूरत सी जगह पे, एक अच्छी सी जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फैमिली वाला।